बेरोजगारी, एजुकेशन, सरकारी नौकरियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दारू बंदी, टू एजुकेट पीपल, विकास नहीं दिख रहा है मेरे को। सबसे पहला है तो बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। हर एक सरकार आती है तो जो बेरोजगारी पर कुछ ना कुछ वादे करती है, इसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई 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 स्टेप लिए नहीं है। और आने वाले दिनों में भी ये यूथ के लिए बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना पड़ेगा। ये हम लोगों का एक मुद्दा है कि जैसे लोगों को सरकारी नौकरियां मिल रही है, हमारे लोगों को क्यों नहीं? भले हम नहीं पढ़े लिखे हैं मगर हिजरा समुदाय के अंदर इतना तो नॉलेज, इतनी जानकारियां तो ऐसी होती है कि उनको भी कुछ अच्छा ऐसा कुछ मिले। आज प्राइवेट कॉलेज की बड़ी बड़ी फीस की वजह से लड़कियां पढ़ नहीं सकती। अगर वे अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाएंगी तो आगे जाके ये आने वाली पीढ़ियों पे भी असर कर सकता है। सरकार प्राइमरी एजुकेशन तो फ्री में दे रही है लेकिन हायर एजुकेशन भी आज बहुत ही महंगा पड़ रहा है आम जनता को। अगर सरकार कोई ऐसी योजना अप्लाई करे कि जिससे गरीब से गरीब विद्यार्थी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके तो देश विकासशील देश नहीं बट विकसित देश कहलाएगा। फिलहाल जो एजुकेशन है वो बहुत बुरी तरीके से महंगा होए जा रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस बढ़ाने चाहिए और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। और सेल्फ फाइनेंस जो स्कूल है कॉलेजेस है उसके भी फीस में हमें बहुत मिनिमम लेवल रखना चाहिए। हमारे पीएम ने जो बहुत ही अच्छी योजना बनाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, उसमें बेटियाँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ नहीं पाती। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर हमें कोई मास्टर कोर्स करना है या फिर आगे पढ़ना है तो उसके लिए गवर्नमेंट कोटा बहुत ही कम है और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस बहुत ही ज़्यादा है तो उसकी फ़ी हम लोग नहीं दे पाते, हम नहीं पे कर पाते। नेता सब जा के बोल रहे हैं कि गुजरात में दारूबंदी है दारूबंदी है, तो हम कहना चाहते हैं कि दूसरे राज्य में जहाँ पे दारूबंदी है ही नहीं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं वहाँ पे दारू के लिए, लेकिन हमारे एरिया में छोटे छोटे गांव में वो लोग सिर्फ कह रहे हैं कि दारूबंदी है लेकिन वो खुद आके नहीं देख रहे कि प्रॉब्लम रियली कहाँ पे है। वो ये बात नहीं जानते, पूछना भी नहीं चाहते और वो कहते पूछते भी नहीं है इसके बारे में, वो खुद ही आके बेचते हैं यहाँ पे इलेक्शन के टाइम में। अगर पुलिस को ये बात भी पता है कि आप सबको पता है तो फिर भी पुलिस कुछ क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी वजह से उनका थोड़ा बहुत तो घर चल ही जाता होगा। और गुजरात में ये नशाबंदी की बातें हो रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सब लोग कि गुजरात में ये नशाबंदी है, दारू नहीं मिल रहा है, ये वो है, पर गुजरात में जाए भी किसी भी जगह जाओ आप गुजरात के किसी भी कोने में तो आपको जहाँ भी जाओ दारू मिलेगी। मेरी इच्छा है कि ये नशाबंदी का कड़क अमलवार हो तो पूरे गुजरात के विद्यार्थियों पूरे अभ्यास में ध्यान दे सके और उसका ध्यान दूसरी जगह ना भटके। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो पब्लिक को ये एहसास दिलाने में नाकाम रहा है कि विकास हुआ है और ऐसा कुछ भी विकास नहीं दिख रहा है मेरे को वोट देने लायक। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, SNG में कंप्लेन करो, वो लोग बोलते हैं आप बना रहे हैं तब बना रहे हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं होती है। साफ सफाई में भी तकलीफ है और अच्छे दिन आने के लिए बोले थे, अच्छे दिन अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। मोरबी में इतने सारे इंडस्ट्रीज है उसमें से बढ़िया इंडस्ट्रीज क्लॉक का है और सिरामिक टाइल्स का है और डायरेक्टली 33 कंट्रीज मोरबी सिरामिक टाइल्स से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे को सबसे पहले दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इतने सालों में सरकार ने कुछ बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सिरामिक के लिए कि सिरामिक है डेली 5 लाख आदमी को रोजी रोटी पूरी पड़ता है तो उसके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, एक फायर स्टेशन नहीं है। सिरामिक के लिए बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। मोरबी इतना बड़ा मार्केट है टाइल्स का तो फिर भी मोरबी का इतना क्यों विकास नहीं हुआ?